क्या है ना, इसका हिंज टूट गया है, तो जोर से खोलेंगे तो टूट जाएगा, तो खोलो मगर प्यार। तो जी हाँ भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है एक नए वीलॉग में। और अगर आपको सच बताऊं ना, तो ये वीलॉग बनने ही नहीं वाला था, क्योंकि आपको तो पता है जो प्रोडक्ट्स मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ वो हमारे देसी पेरेंट्स के हिसाब से खिलौने, और खिलौने लेके देने का रिवाज हमारे देसी फैमिलीज में नहीं होता है। लेकिन ये आपको और हमको पता है कि ये जस्ट खिलौने नहीं है, ये हमारा इमोशन है, और हमारा देश बहुत इमोशनल देश है, और हम यहाँ के बहुत इमोशनल नागरिक है। तो जब तक इमोशनल सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक हम इमोशनल हो जाते हैं, और मैंने इमोशनल होते होते ये मंगा लिया। आपको तो पता ही है मैंने ये नया स्टूडियो बनाया है, और मुझे स्टार्टिंग से ये चाहिए था कि मैं अपने स्टूडियो में जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो लगाऊं, और आपको तो पता ही है इससे ज़्यादा पसंदीदार चीज़ और क्या ही हो सकती है। आई एम अ बिग कैप्टन अमेरिका फैन, एंड उसके बाद थॉर फैन, एंड उसके बाद आयरन मैन फैन, एंड उसके बाद ओवरऑल मार्वल फैन, बट जो कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मुझे स्टार्टिंग से एक शील्ड चाहिए थी, और वो शील्ड मुझे मिली तो नहीं, क्योंकि बचपन में मैंने शील्ड मांगी तो मेरे को तवा फेंक के मारा मेरे घर वालों ने। तो मैंने सोचा ठीक है, स्टूडियो के बहाने एक शील्ड ले लेते हैं। और जो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की कहानी है ना, वो बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि उसमें ऐसा हादसा हो गया था मेरे साथ कि मैं आगे बताता हूँ ना, तब तक इससे शुरू करते हैं। और ये शुरू करने से भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। Isn't it amazing that your hobby can generate you income? हर किसी की अपनी अपनी एक हॉबी होती है, एंड इफ यू आर कीन फॉर इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट योर जर्नी विद अ रिलायबल ब्रोकर ओलम ट्रेड। ओलम ट्रेड इज एन इंटरनेशनल ब्रोकर दैट हैज बीन ऑपरेटिंग स्टेडीली सिंस 2014 इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ओलम ट्रेड इज फॉर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन हु थिंक्स अबाउट द फ्यूचर एंड अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मैनेज मनी वाइजली। मुझे हमेशा से लगता था ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वंस आई इंस्टॉल दिस ऐप एंड स्पेंड कपल ऑफ इवनिंग एंड आई कैन रिकमेंड इट। इफ यू कंसिडर योर सेल्फ फाइनेंशियली लिटरेट, तो आपने ओलम ट्रेड का तो सुनाई होगा। यहाँ पे बिगनर्स के लिए इनडेप्थ ट्यूटोरियल्स है जिसकी मदद से दे कैन अंडरस्टैंड ट्रेडिंग प्रोसेस एंड इंप्रूव द ट्रेडिंग स्किल्स। दिस प्लेटफॉर्म हैज 24/7 सपोर्ट सर्विस, सो यू कैन फोकस ऑन योर ट्रेडिंग विदाउट वरीज, एंड ऑल्सो द विड्रॉल्स आर सुपर इजी। सो किस बात का वेट कर रहे हो, गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई प्रोमो कोड आकाश टू गेट बोनस अप टू 50% ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट एंड 30% ऑन द सब्सिक्वेंट डिपॉजिट। इसी बात पे चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या चीज है, तो ये है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। जिस किसी को नहीं पता है कैप्टन अमेरिका कौन है, वो मार्वल का सुपर हीरो है, और अगर आपको कैप्टन अमेरिका नहीं पता है तो आप झूठ बोल रहे हो। सीधा पता है मेरे को आप झूठ बोल रहे हो, हर किसी को कैप्टन अमेरिका पता है। और ये शील्ड आई है अमेज़न से। वैसे मैंने शील्ड को बहुत ढूंढने की कोशिश की, इसके ऑफिशियल वर्जन्स निकाले, लेकिन वो क्या है, थोड़े से महंगे थे इससे, हल्के थोड़े, जैसे 1,00,000, 1.5 लाख, कोई 50,000। तो मैंने क्या बोला, इतना तो है नहीं मेरे पास, और ये करीबन 4,000-4,400 का मिला, तो मैंने मंगा लिया। और ये प्योर आई थिंक मेटल से बना हुआ है, मेटल स्टील ही है, एल्यूमिनियम तो फील नहीं हो रहा है मेरे को, ये स्टील का है। पीछे ऐसे लेदर बेल्ट दिए हुए हैं, लेदर बेल्ट का क्वालिटी अच्छी बोलूँ थोड़ा ठीक ठीक है, अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, बिल्ट बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। आपको जैसे मैंने बताया मेरी कैप्टन अमेरिका फर्स्ट टाइम है, मेरी फेवरेट मूवी है, तो जब मैंने उसमें ये शील्ड देखी तो मैंने बोला क्या है तवा है, कुछ भी नहीं है, तवा है। उसके बाद मैंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी, तो उसमें जो एंड का सीन है, जो कैप्टन अमेरिका ऐसा शील्ड पकड़ता है और ऊपर से आयरन मैन ऐसा अपना लेजर मारता है, तो उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं यार तवा तो नहीं है, मतलब मुझसे गलती हो गया बाबा रे बाबा। जब फाल्कन एंड विंटर सोल्जर आया और मैंने फाल्कन एंड विंटर सोल्जर देखा, जो कि मैं नहीं देखने वाला था, तो जब मैंने वो देखा उस पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही बात चालू है, शील्ड, पूरा टाइम ये चालू है, तो मेरे दिमाग में बैठ गया शील्ड। और मेरे को पता था मेरे को स्टूडियो बनाना ही है, तो मैंने फिर अपने लिए एक शील्ड मंगवा ली स्टूडियो के लिए। इस तरीके से ये मेरे दिमाग में आई और मेरी ज़िंदगी में भी आई, और मेरी ज़िंदगी सवारी और मुझे सवारा, और इतना इनको चैन नहीं है क्या ये सारे गाड़ी वाले गांडू, तो ये मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी सवारी। रुको, एक और चीज़ मंगाई है, उसको भी अनबॉक्स करने का है, और उसकी जो विचित्र दास्तान है वो भी मेरे को आप लोग को बतानी है, तो पहले उसको अनबॉक्स करते हैं फिर आपको दास्तान सुनाते हैं।
नहीं टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था खोलने के लिए। स्ट्रॉन्ग ब्रेकर इज इन द हाउस एंड इसका जो फील है, जो स्टर्डीनेस है, वो एब्सोल्युटली शील्ड से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वल लेजेंड्स का है, ओजी है एकदम। करीबन 3.5-4 feet के बीच में और इसका वेट भी कुछ 4-4.25 kilos का है, तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसे थोड़े कनेक्शंस दिए हुए बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज प्लास्टिक, लेकिन जो डिज़ाइन किया हुआ है इसके ऊपर है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है। इसी से शुरू करते हैं इस स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की दर्द भरी दास्तान। सो शील्ड ऑर्डर करने के बाद मैं ऐसे इंटरनेट पे घूम फिर रहा था, सो वहाँ पे फिर मुझे इसकी एड दिखी स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की। तो मैंने जब अंदर जाके देखा, इंटरनेशनल साइट थी, वहाँ पे सारे प्राइजेस फॉरेन करेंसी में लिखे हुए थे, और जब मैंने इसको देखा, इसके रिव्यूज देखे, तो मैं इसके पीछे पागल हो गया। तो मैंने सोचा यार अभी इतना खर्चा हो ही गया है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर भी मंगा ही लेते हैं, अच्छा लगेगा हाथ में। तो मैं जाके गया, मैंने कन्वर्ट किया तो करीबन कुछ 6,000 का आ रहा था। अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें से 5,500 रुपये निकले। मैंने सोचा ठीक है 500 रुपये पापा से मांग लूँगा, सो मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ऑर्डर किया 12,000 रुपये कट गए। अब मेरी फटके हो गई 4। मैंने जाके फिर से प्राइस देखा। जब मैंने प्राइस कैलकुलेट किया तब प्राइस USD में कैलकुलेट किया था, जबकि वो USD में था ही नहीं, वो GBP में था, और GBP का रेट डबल है, इसलिए डबल कट गया और मेरे डबल के लग गए। फिर मैं भागते भागते अपने सिस्टर के पास गया। मैंने अपने सिस्टर को बोला यार मैंने 12,000 रुपये का स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ऑर्डर कर दिया है। सो उसका रिएक्शन था, तू पागल आगल है क्या, तूने 12,000 रुपये का खिलौना ऑर्डर किया है, तेरे को पता है अगर पापा को पता चला तो पापा तेरे को छील देंगे। मैंने बोला यार वो सब तो ठीक है, लेकिन तू यार खिलौना मत बोल यार, इमोशन है यार मेरे, ऐसा मत कर यार मेरे साथ। तो उसने चल ठीक है छोड़ दे, तू मंगा ले, अभी हम पापा को नहीं बताएंगे। मैंने फिर भी जाके कैंसिल करने की कोशिश की, कैंसिल हुआ नहीं, और अभी मेरी फटी पड़ी है, अगर पापा ने ये वीडियो देख लिया तो मेरे तो वैसे ही लग जाएंगे। सो अभी मैं बहुत देर से ये ट्राई कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे हाउ टू ब्लॉक योर डैड सो ही कांट सी योर वीडियोस, बट कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि फ्यूचर में किसी का आपको तो पता ही है। तवा कैप्टन अमेरिका के शील्ड लग गई है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकर लग गया है, और कुछ ऐसा दिख रहा है रूम में, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने बोला ये मेरे इमोशंस है, क्योंकि लिए आई जस्ट लव मार्वल, वी आर सो क्रेजी अबाउट मार्वल। आपने देखा ही होगा पास्ट में, हम जब मार्वल की मूवीज भी देखते तो हम कितना ज़्यादा पागल हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार है मार्वल से। बहुत स्टार्टिंग में भी मैं ये सोचता था कि मैं अपने रूम में लगाऊंगा, तो रूम में तो नहीं लगा पाया, लेकिन स्टूडियो में ज़रूर लगाया मैंने। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैं ये लगा पाया हूँ अपने यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने कुछ और चीज़ें ऑर्डर कर दी है, अभी खुजली है जाएगी कहाँ से, तो कुछ और चीज़ें ऑर्डर कर दी है, जब वो आएगी मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा।
तब तक के लिए आप ये बताइए कि आपको ये वाली अनबॉक्सिंग कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, इसके वजह से स्टूडियो कुछ ज्यादा और ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो कम से कम अच्छा लग रहा है। आप बताओ, आपको तो पता है आप है तो हमें तो चल रही है गाड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बताओ आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाय, बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। बाय।